गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। और आज हम लोग बिहार के भौगोलिक स्थिति यानी बिहार का हम लोग जो अध्ययन कर रहे थे, इससे पहले हम लोग बिहार की संरचना के बारे में जाने थे, इसके चट्टान को यानी बिहार की प्रकृति कैसी है, यहाँ पर कितने प्रकार के चट्टान हैं, इसको भागे तो बांटा जाए तो चार प्रकार में इसको बांटा जा सकता है बिहार को। उसके बाद आज हम लोग देखेंगे दूसरा, तो ये पार्ट टू है, ज्योग्राफी का है, बिहार का ज्योग्राफी, और इसमें बिहार की भौगोलिक स्थिति देखेंगे, इसका विस्तार देखेंगे, और इसमें कैसे कैसे इसकी स्थिति का बंटवारा किया गया है उसके बारे में संपूर्ण जानकारी करेंगे, और अंत में लगभग 20 क्वेश्चन भी इससे संबंधित है, उसका एक सेट भी लगा लेंगे। तो बिना देर किए हुए शुरू करते हैं, और उससे पहले एक बात कि हमारा चैनल ज़रूर देखें, विजिट करें, और भी तरह की जानकारी मिलेगी, हमारे चैनल में बहुत तरह के वीडियो हैं, और अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। तो भौगोलिक स्थिति के बारे में जानते हैं। भौगोलिक स्थिति मतलब क्या, कोई भी क्षेत्र है उसकी स्थिति की लंगिट्यूड और लेटिट्यूड पर कहाँ उसकी स्थिति है, उसका विस्तार ईस्ट और वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ में कितना है, वो किलोमीटर में कितना है, वो कब अस्तित्व में आया, इस तरह की जानकारी। जैसे सब शुरू करते हैं, बिहार गंगा के मैदान, एक नंबर, बिहार गंगा के मैदानी भाग में स्थित पूर्वी भारत का राज्य है। अगर मान लीजिए कि गंगा नदी ऐसे शुरू होती है और यहाँ पर बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है, तो उत्तराखंड में इसका आरंभ है, फिर उत्तर प्रदेश एक विशाल राज्य है, उसके बाद बिहार में गंगा नदी थोड़ा प्रवेश करती है, ये लगभग बिहार को बीचों बीच दो भागों में बांट देती है बिहार को, उसके बाद थोड़ा सा झारखंड का एक साहिबगंज जिला है वहाँ क्रॉस करती है, और उसके बाद पश्चिम बंगाल से होते हुए और बांग्लादेश में पहुँचती है, और बांग्लादेश में पश्चिम बंगाल में दो भागों में बढ़ जाएगी, एक हुगली और पद्मा, हुगली डायरेक्ट कलकत्ता से होते हुए हल्दिया में बंगाल की खाड़ी में मिलेगा, और दूसरा जो पद्मा है ये ब्रह्मपुत्र से मिलेगी और बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती है। तो बिहार का कहाँ नंबर आया, तो बिहार पूर्वी राज्य है, किसमें, तो गंगा नदी के क्षेत्र में। बिहार का वर्तमान स्वरूप 15 नवंबर 2000 को झारखंड से अलग होने के बाद आया, जो बिहार प्रेजेंटली बिहार है यह झारखंड से अलग होने के बाद हम लोग पढ़ रहे हैं। और बिहार की आकृति कैसी है, तो बिहार की आकृति ऐसी ही, देखिए या मान लें कि बिहार का मैप अगर बनाना चाहे लगभग बिहार का मैप इसी तरह का बनता है। ये पश्चिम चंपारण, यहाँ किशनगंज है, और यहाँ से गंगा यहाँ पर झारखंड से चली जाती है, यहाँ पर भागलपुर एक तरफ होगा और एक तरफ है साहिबगंज पश्चिम झारखंड का, और इधर उत्तर प्रदेश, ऊपर नेपाल है और नीचे झारखंड हो गया। तो बिहार कैसा है, तो आयताकार इसका आकृति है। और बिहार का क्षेत्रफल, तो बिहार का क्षेत्रफल कितना है विस्तार, तो 94,163 वर्ग किलोमीटर, या क्या है, तो बिहार का कुल क्षेत्रफल है, और मील में कब पूछते कभी तो 36,357 वर्ग मील इसका क्षेत्रफल है। यह भारत के कुल क्षेत्रफल का 2.84% है मात्र। क्षेत्रफल की दृष्टि से अभी प्रेजेंट में बिहार क्या है, तो बिहार पहले 13वें नंबर पर था, लेकिन अब पूछिएगा कि 12वां कैसे हो गया, तो पहले 12वां नंबर था बिहार का रैंकिंग, लेकिन जब आंध्र प्रदेश का विभाजन हो गया तो दो उसके राज्य हो जाते हैं, एक तेलंगाना और एक आंध्र प्रदेश, तो दोनों बड़े राज्य थे, तो दोनों बिहार से बड़े हो जाते हैं, तब क्या होगा, तो बिहार 13वां नंबर का हो जाता है। लेकिन फिर तत्काल में ही जम्मू कश्मीर का विभाजन हो गया और जम्मू कश्मीर और लद्दाख दो राज्य हो जाते हैं, लेकिन एक बात यह है कि दोनों राज्य फिर बिहार से बड़े हैं, लेकिन पूछ रहा है कि राज्य में, तो राज्य में बिहार का स्थान 12वां है, लेकिन अगर अब पूछ दे राज्य और यूनियन टेरिटरी सब मिलाकर बिहार का स्थान, तो अब 14वां होगा, याद कीजिएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या कितने है, तो याद कर लीजिए 10,40,99,452 व्यक्ति, इतना तो याद किया जा सकता है। जनसंख्या की दृष्टि से यह भारत तीसरा बड़ा राज्य है, तो पहला कौन है, यूपी है, दूसरा MHA यानी महाराष्ट्र है, और तीसरे नंबर पर बिहार की बारी आती है। और बिहार की सीमा रेखा यानी जो बाउंड्री की बात है, तो इसके उत्तर में क्या है, तो नेपाल है, दक्षिण में तो बंटवारा हुआ किससे, तो झारखंड है, पूरब में वेस्ट बंगाल है, और पश्चिम में यूपी है। तो इसका एकमात्र बॉर्डर जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा बनाती कौन, तो उत्तरी सीमा है, और बिहार के पूर्व में पश्चिम बंगाल जिसे स्पर्श करने वाले जिले, याद कर लीजिए, तो पूर्व में कौन कौन जिले स्पर्श करते हैं, तो सबसे ऊपर से, और मान लीजिए बिहार का मैप है इसी तरह का मैप बनेगा, तो एक किशनगंज है, उसका यहाँ पर पूर्णिया आता है एवं कटिहार, तो पूर्व में और
तीन जिले कौन, तो किशनगंज, पूर्णिया एवं कटिहार ये पश्चिम बंगाल से स्पर्श करते हैं। अब क्वेश्चन आया था, याद कीजिए, PCS 2015 में, निम्नलिखित में से कौन सा शहर बिहार के सबसे पूर्वी भाग में स्थित है, शहर की बात हो रही है और सबसे पूर्वी भाग, तो इसमें से कौन है, तो वही कटिहार की बात हो रही है, कौन, तो कटिहार। आगे देखते हैं, बिहार के पश्चिम में कौन, तो उत्तर प्रदेश स्थित है और इसे क्या, तो इसे 8 जिले स्पर्श करते हैं, कौन कौन, तो रोहतास, कैमूर, बक्सर, भोजपुर, सारण, सिवान, गोपालगंज एवं पश्चिम चंपारण। तो उत्तर प्रदेश से कितने जिले मिलते हैं बिहार के, तो 8 जिले, कौन कौन, तो सबसे मतलब कि उत्तर प्रदेश का विस्तार है, एक मिनट, अगर ये अपना बिहार है तो उत्तर प्रदेश बिहार के पश्चिमी साइड में मिल जाएगा, तो रोहतास, तो यहाँ पर रोहतास है, यानी कि यूपी का सोनभद्र ज़िला जो बहुत हाईलाइटेड है, सोना के लिए हुआ है, और उसके बाद रोहतास है, फिर यहीं पर कैमूर है, बक्सर है, सिवान यानी सॉरी भोजपुर यानी आरा, और उसके बाद गंगा नदी, और इधर छपरा सारण की बात होती है, फिर सिवान, गोपालगंज और पश्चिमी चंपारण यानी बिहार की बात हो रही है, तो ये सब राज्य उत्तर प्रदेश से मिलते हैं। और फिर उसके बाद देखते हैं आगे, और बिहार के उत्तर में एक अपना पड़ोसी है जो देश है, कौन है, तो नेपाल है, और यह अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्धारण करता है, और नेपाल से स्पर्श करने वाले बिहार के कितने, तो 7 जिले हैं, कौन कौन, तो सबसे पहले पश्चिम चंपारण, उसके बाद यहीं पर पूर्वी चंपारण के बाद सीतामढ़ी के बाद मधुबनी का सुपौल, अररिया और किशनगंज, तो ये बिहार से नेपाल से स्पर्श करने वाले 7 जिले हैं। अब क्वेश्चन आया, देख लीजिए कि निम्नलिखित में से बिहार का कौन सा शहर नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है, तो कौन नहीं करेगा, तो किशनगंज, क्योंकि यह पूर्व में है और ये पश्चिम बंगाल से इसका बॉर्डर है, लेकिन मधुबनी, सीतामढ़ी एवं पूर्णिया ये सब के सब जो बाउंड्री इनकी कहाँ, तो नेपाल से टच करती है, और बिहार के दक्षिण में झारखंड स्थित है, यानी अपना पड़ोसी जिससे बंटवारा हुआ है, जिससे स्पर्श करने वाले बिहार के 7 जिले हैं, तो कौन कौन, तो यानी 7 जिले किससे, तो ऊपर नॉर्थ में किससे, तो नेपाल से, और दक्षिण में झारखंड से 7 जिले, पूर्व में पश्चिम बंगाल से 3 जिले, पश्चिम में यूपी से 8 जिले। तो बिहार के दक्षिण में झारखंड स्थित है, जिसे स्पर्श करने वाले बिहार के 7 जिले भागलपुर, बांका, जमुई, नवादा, गया, औरंगाबाद और रोहतास है, मतलब भागलपुर यानी गंगा वाली बात, गंगा यहाँ बहती है, तो भागलपुर, फिर बांका, जमुई, नवादा, गया, औरंगाबाद और रोहतास, जो रोहतास उत्तर प्रदेश से भी अपनी सीमा साझा करती है, तो ये कुल कितने हो, तो 7 हो गए। बिहार के 13 जिले क्या हैं, न तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्धारण करते हैं, न ही किसी राज्य से स्पर्श करते हैं, कौन, तो 13 जिले, और तो कुल जिले कितने हैं बिहार में, तो 38 अर्थात 25 जिले हैं जो किसी न किसी राज्य या देश से अपनी सीमा रेखा साझा करते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन है, तो पश्चिम चंपारण है, और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा, तो यह भी शिवहर है, और राज्य के सबसे दक्षिणी भाग में कौन, तो गया और जमुई जिला स्थित, दक्षिण मतलब नीचे, तो नीचे मतलब कौन सबसे नीचे है, तो गया और जमुई की बात हो रही है, और राज्य के सबसे उत्तर में, तो सबसे उत्तर में कौन है, इसी तरह को निकला हुआ है, तो पश्चिम चंपारण ये सबसे उत्तरी जिला है बिहार का, और बिहार राज्य का पश्चिम में, तो पश्चिम में बिहार राज्य कैसे शुरू होगा, तो पश्चिम में कैमूर, तो ऐसे बिहार है, सीमा ही नहीं है बिहार मान लीजिए, तो यहाँ पर कैमूर है सबसे पश्चिमी जिला, और सबसे पूर्वी जिला यहाँ पर किशनगंज है, तो सबसे पश्चिम में कैमूर, सबसे पूर्व में किशनगंज तक बिहार विस्तृत है, और संपूर्ण राज्य में बिहार क्या है, तो कर्क रेखा झारखंड के रांची से होकर गुजरती है, अतः पहले बिहार से कर्क रेखा गुजरती थी, लेकिन अब बिहार से कर्क रेखा नहीं गुजरती है, बिहार कर्क रेखा के पूर्णतः उत्तर में स्थित है, और राज्य में कितने, तो 38 जिले हैं, और इनका कैसे बंटवारा है, तो परमंडल यानी कमिश्नरी, तो सारण परमंडल यानी कमिश्नरी, तो सारण परमंडल में कितने जिले हैं, तो 3, कौन कौन, तो गोपालगंज, सारण और सिवान, तो ये 3 कौन, सारण परमंडल या सारण कमिश्नरी में 3 जिले, तो गोपालगंज, सारण और सिवान। उसी तरह तिरहुत परमंडल है,
तो तिरहुत प्रमंडल में कितने जिले थे इतने, मतलब पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर, मुजफ्फरपुर, वैशाली, यानी 4 और 2 6 जिले हैं। कहाँ? तो तिरहुत प्रमंडल में, और आबादी के हिसाब से सबसे बड़ा प्रमंडल तिरहुत प्रमंडल है। और दरभंगा प्रमंडल है, इसमें मात्र 3 जिले, कौन कौन? तो मधुबनी, दरभंगा और समस्तीपुर। और कोसी प्रमंडल में भी, इसमें भी 3 जिले हैं, सहरसा, सुपौल और मधेपुरा। और पूर्णिया की जहाँ तक बात है, तो पूर्णिया प्रमंडल में पूर्णिया है, अररिया, किशनगंज एवं कटिहार, यानी इसमें 4 जिले हैं। और इसी तरह पटना प्रमंडल, तो पटना प्रमंडल में बक्सर, रोहतास, भोजपुर, पटना यानी राजधानी, नालंदा और कैमूर, यानी इसमें 6 जिले हैं। और मगध प्रमंडल में औरंगाबाद, गया, नवादा, अरवल और जहानाबाद, यानी यहाँ पर 5 जिले कहाँ? तो मगध प्रमंडल में है। और मुंगेर प्रमंडल, तो मुंगेर प्रमंडल में आने वाले कौन कौन जिले हैं? तो मुंगेर, जमुई, लखीसराय, शेखपुरा, बेगूसराय और खगड़िया। और भागलपुर प्रमंडल, इसमें मात्र 2 जिले हैं, कौन कौन? तो भागलपुर एवं बांका। और बिहार के अब क्वेश्चन उठता है इसका भौतिक प्रदेश, तो देखते हैं बिहार में क्या क्या मिलता है। तो पर्वत, पठार और मैदान, सभी प्रकार की भू आकृतियाँ पाई जाती हैं। कहाँ? तो बिहार में, कम ही हो लेकिन पाई जाती हैं। बिहार की औसत ऊंचाई समुद्र तल से मात्र 53 मीटर यानी लगभग 173 फीट है। और भौतिक बनावट के आधार पर बिहार को 3 प्राकृतिक प्रदेश में बांटा गया है, कौन कौन? तो उत्तर का शिवालिक पर्वतीय प्रदेश एवं तराई प्रदेश, यानी नॉर्थ में जो पश्चिम चंपारण से किशनगंज है वहाँ पर क्या मिलता है? तो शिवालिक यानी हिमालय का फुट हिल्स है, और ये पर्वतीय प्रदेश और तराई भाग है। दूसरा है गंगा का मैदान, जो बिहार को बीचों बीच बांटता है। गंगा के मैदान भी 2 भाग, एक नॉर्थ एंड साउथ में है, और दक्षिण में जो झारखंड से सीमा टच हो जाएगा वो दक्षिण का पठारी प्रदेश है। क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं। अब सबसे पहले हम लोग देखेंगे उत्तर का शिवालिक पर्वतीय प्रदेश, तो ये कहाँ है? तो पश्चिम चंपारण की उत्तरी सीमा, उत्तरी पश्चिमी बिहार पर हिमालय पर्वत की शिवालिक श्रेणी का विस्तार है, जानते हैं हम लोग, जो 932 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है, कौन? तो उत्तर का शिवालिक पठ की बात हो रही है। और इस पर्वतीय श्रेणी की औसत ऊंचाई 80 मीटर से 250 मीटर तक है मात्र, ये कोई बड़ी विशाल पहाड़ी नहीं है, बहुत छोटी है। हिमालय से निकलने वाली नदियों द्वारा इसे अनेक स्थानों पर काट छांट दिया गया है, मतलब ये इरोड हो चुका है। यह शिवालिक पर्वतीय प्रदेश 3 उपभागों में बांटा गया है, कौन? तो जो बिहार का उत्तरी भाग है, पहाड़ी भाग है, और यह 3 भागों में, कौन कौन? इसमें है एक रामनगर दून की पहाड़ी, दूसरा है हरहा घाटी की पहाड़ी, तीसरा है सोमेश्वर श्रेणी की पहाड़ी। तो रामनगर दून की पहाड़ी में सबसे पहले देख लेते हैं, रामनगर दून की पहाड़ी में सोमेश्वर श्रेणी के दक्षिण में स्थित क्या है? तो रामनगर की दून पहाड़ी है, रामनगर कहाँ? तो सोमेश्वर श्रेणी के दक्षिण, यानी सोमेश्वर मान लीजिए कि नेपाल हो गया, तो उसके दक्षिण में बिहार का कौन है? देख, रामनगर दून की पहाड़ी है, जिसकी लंबाई 32 किलोमीटर लंबी है और 8 किलोमीटर चौड़ी है, कोई बड़ी पहाड़ी नहीं है, लेकिन राज्य विशेष पढ़ रहे हैं तो पढ़ना पड़ेगा। इस पहाड़ी का सबसे ऊंचा जो भाग है उसका नाम है संतपुर, और जिसकी ऊंचाई है 242 मीटर मात्र। संतपुर क्या है? तो रामनगर दून की सबसे हाईएस्ट चोटी है। और दूसरे नंबर पर है हरहा घाटी या दून घाटी, तो हरहा घाटी या दून की घाटी एक संकीर्ण अनुदैर्ध्य घाटी है, एक छोटी मोटी घाटी है जो रामनगर दून और सोमेश्वर श्रेणी के बीच स्थित है, कौन? तो हरहा घाटी की बात हो गई। हाँ, तो सॉरी, बहुत तेज आंधी आ गई थी। तो हम लोग कहाँ थे कि बिहार का जो उत्तरी इलाका है इसको 3 भागों में बांटा गया है, जो शिवालिक का फुट हिल्स है, कौन कौन? तो उसका सबसे पहला है रामनगर दून पहाड़ी, दूसरा है हरहा घाटी की पहाड़ी, और तीसरा है सोमेश्वर श्रेणी। तो हम लोग रामनगर दून के बारे में तो पढ़ चुके हैं, ये बहुत छोटा है और सोमेश्वर श्रेणी के दक्षिण में है, और इसकी सबसे ऊंची चोटी मात्र 242 मीटर है, जिसका नाम है संतपुर। आगे बढ़ते हैं, अब हरहा घाटी या दून घाटी की बात हो रही है। तो हरहा घाटी या दून की घाटी एक संकीर्ण, एकदम पतला और अनुदैर्ध्य घाटी है, जो रामनगर दून और सोमेश्वर श्रेणी के बीच स्थित है, यानी रामनगर दून और सोमेश्वर श्रेणी। तो सोमेश्वर श्रेणी सबसे उत्तर, रामनगर दून दक्षिण, और इसके बीच में है, कौन है? तो हरहा घाटी या दून घाटी। घाटी का मतलब क्या होगा? नीचे का लो लैंड है,
और इस घाटी की लंबाई 21 किलोमीटर है और इसका क्षेत्रफल 214 वर्ग किलोमीटर में है। और शिवालिक श्रेणी, तो शिवालिक पहाड़ी का तीसरा भाग है कौन, तो शिवालिक पहाड़ी, और ये सोमेश्वर श्रेणी के नाम से बिहार में जानी जाती है, जो लगभग 784 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर फैली है, जिसका शीर्ष भाग बिहार को नेपाल से अलग करता है, या बिहार और नेपाल का बाउंड्री हो गया। त्रिवेणी नहर से भिखना टोरी दर्रा तक फैली इस श्रेणी की लंबाई 70 किलोमीटर है। कहाँ, तो त्रिवेणी नहर, जो बाद में हम पढ़ेंगे कि त्रिवेणी नहर किस नदी से निकलती है, तो गंडक से, इस नहर से भिखना टोरी दर्रा तक फैली इस श्रेणी की लंबाई 70 किलोमीटर है। अब आगे देखते हैं, नदियों के तीव्र बहाव के कारण इस श्रेणी में अनेक दर्रों का निर्माण हो गया है, जिसमें सोमेश्वर दर्रा, भिखना टोरी दर्रा और मरवाद दर्रा आदि प्रमुख हैं। दर्रा क्या होता है, जैसे कि पहाड़ी है, ये दूसरा पहाड़ी, इसी तरह पहाड़ी, और इनके बीच से नदी द्वारा क्या हो गया, तो कालांतर में नदियाँ थी और उन्होंने काट काट कर इसको इस तरह से विकृत कर दिया, एक रास्ता बना दिया, उसी को दर्रा कहा जाता है। ये दर्रे बिहार और नेपाल के बीच यातायात का मार्ग प्रदान करते हैं। सोमेश्वर श्रेणी में ही बिहार की सर्वोच्च चोटी, क्या नाम है उसका, तो सोमेश्वर किला स्थित है, जिसकी ऊंचाई 8,880 मीटर, याद कीजिए, अगर इसमें एक और 8 लगा दिया जाए तो एवरेस्ट की ऊंचाई हो जाएगी, लेकिन यह है 8,880 मीटर मात्र। तो हम लोग बिहार का उत्तरी पहाड़ी क्षेत्र देख लिए, अब दूसरा देखेंगे हम लोग तराई प्रदेश। तो तराई प्रदेश गंगा मैदान के उत्तरी भाग में एवं शिवालिक श्रेणी के समानांतर दक्षिणी भाग में पाया जाता है, मतलब बिहार का उत्तरी भाग ये शिवालिक श्रेणी है बिहार का मान लीजिए, और इसी के समानांतर एक कौन है, तो सबसे उत्तरी भाग है बिहार का। और तराई प्रदेश राज्य के उत्तर पश्चिम तथा उत्तर पूर्वी सीमा पर पाया जाता है, यानी यह पश्चिम चंपारण में भी मिलेगा और किशनगंज में भी पाई जाएगी। इस प्रदेश में अधिक वर्षा होती है, कितना, तो 150 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर तक होने के कारण यहाँ पर घने वन एवं मार्सी लैंड यानी दलदली क्षेत्र का विकास हुआ है। उत्तर पूर्वी तराई प्रदेश में यानी बिहार के पूर्वी भाग में, जहाँ किशनगंज, पूर्णिया, अररिया एवं किशनगंज जिलों में फैला हुआ है उत्तर पूर्वी तराई क्षेत्र, और यह बिहार का सर्वाधिक वर्षा ग्रहण करने वाला क्षेत्र है। और गंगा का मैदान देखते हैं दूसरा क्षेत्र बिहार का, तो हम लोग पहला क्या देख लिए, तो पहाड़ी क्षेत्र, उत्तर का पहाड़, और जैसे उसमें शिवालिक या सोमेश्वर से नहीं आता है, और दूसरा देखे थे हम लोग इसी में तराई, और दूसरा बिहार का भाग है गंगा का मैदान, इसके भी दो भाग मिलेंगे। गंगा के मैदान का क्षेत्रफल 90,650 किलोमीटर, यानी कुल बिहार का क्षेत्रफल लगभग 94,000 किलोमीटर, उसमें 90,000 केवल गंगा का मैदान है, यानी समझ सकते हैं कि बिहार में कितना विशाल बिहार में मैदान है, जो बिहार के कुल क्षेत्रफल का 92.27% हिस्सा है। यह मैदान उत्तर में शिवालिक श्रेणी से लेकर दक्षिण में छोटा नागपुर पठार तक फैला हुआ है। इस महा मैदान की औसत ऊंचाई समुद्र तल से मात्र 75 से 120 मीटर तक है, और इस मैदान का ढाल पश्चिम में अधिक चौड़ा है, जबकि पूर्व में इसकी चौड़ाई कम होती जाती है, यानी मान लीजिए कि इस तरह से है, इस मैदान का ढाल पश्चिम में अधिक चौड़ा है, यानी पश्चिम में गंगा नदी से, तो यहाँ पर ढाल चौड़ा हो गया, लेकिन पूर्व जाते जाते इसकी चौड़ाई कम, यानी सक्रिय हो जाती है ढाल। गंगा नदी ने बिहार के मैदान को दो भागों में विभाजित कर दिया है। बार बार क्वेश्चन आता है, देखिए ये महत्वपूर्ण है, ठीक से पढ़िए इसको। एक है उत्तरी गंगा का मैदान, दूसरी है दक्षिणी गंगा का मैदान। अब देखते हैं उत्तरी गंगा का मैदान, इसका क्षेत्रफल 56,980 वर्ग किलोमीटर है। इसका निर्माण गंगा और उसकी सहायक नदियाँ जैसे घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी, महानदी, नंदा द्वारा जमा किए गए औसादों यानी निक्षेपों के द्वारा हुआ है, और इस मैदान का ढाल उत्तर पश्चिम से पूर्व दक्षिण पूर्व की ओर है, यानी उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर इसका ढाल है, इस तरह से, यहाँ पर कम ढाल, यहाँ पर अधिक ढाल। इस मैदान का ढाल उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर है, क्लियर हो गया। नदियों ने इस मैदान को कई दोआबों क्षेत्रों में बांट दिया है। दोआब मतलब क्या, एक ही नदी है, एक ही नदी है, इसके बीच का जो क्षेत्र है वो दोआब हो गया। जैसे देखते हैं घाघरा गंडक दोआब, कोसी गंडक दोआब, कोसी महानंदा
द्वाब प्रमुख हैं। उत्तरी गंगा के मैदान का विस्तार, नॉर्थ गंगा के मैदान का विस्तार पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सिवान, गोपालगंज, सीतामढ़ी, मधुबनी, सारण, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, पूर्णिया, सहरसा और भागलपुर जिले में है। उत्तरी गंगा के मैदानों को कई उप विभागों में भी बांटा गया है, जैसे एक है उपतराई क्षेत्र या भाभर क्षेत्र, दूसरा बांगर, तीसरा खादर, चौथा चौर या मन। तो देखिए उपतराई क्षेत्र या भाभर, तो यह तराई प्रदेश के दक्षिण में पश्चिम से पूर्व की ओर फैला हुआ है लंबे इस तरह से। यह उत्तरी बिहार के 7 जिलों में जैसे पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज में 10 किलोमीटर चौड़ी एक संकीर्ण पट्टी के रूप में फैली हुई है। इसमें कंकर और बालू का निक्षेप पाया जाता है। दूसरा है बांगर, ये क्या है, यह पुराने जलोढ़ निक्षेप का क्षेत्र है। यहाँ पहले यानी बाढ़ का पानी प्रतिवर्ष नहीं पहुँचता है, तो कभी कभी आ जाती है। यह क्षेत्र भाभर क्षेत्र के दक्षिण में फैला है, मतलब सबसे उत्तर में क्या है शिवालिक, उसके नीचे क्या मिलेगा आपको, तो भाभर क्षेत्र या पहले हाँ जो हम लोग ओरिजिनल जो रफी पढ़ेंगे उसमें भाभर मिलेगा, यानी उसमें बहुत बड़े बड़े कंकर पत्थर जहाँ पर नदियाँ विलुप्त हो जाती हैं, उसका तराई क्षेत्र रहता है जहाँ पर नदियाँ बाहर आती हैं तो वो मार्सी लैंड हो जाता है क्योंकि दलदली इलाका रहता है। उसके बाद बांगर क्षेत्र रहता है बांगर, और ये भाभर भागर और ये बस बांगर, और सबसे नया जहाँ नदी बहती है और प्रत्येक वर्ष जहाँ पर पानी आती है वो क्या है, तो वो खादर है यानी सबसे उपजाऊ क्षेत्र है। इसका विस्तार मुख्यतः बिहार के उत्तर पश्चिमी मैदानी भागों में पाया जाता है, किसका, तो भावर की बात हो गई थी। अब खादर में देखिए, यह नवीन जलोढ़ का निक्षेप क्षेत्र है जहाँ हर साल बाढ़ का पानी फैल जाता है। प्रतिवर्ष बाढ़ आने से नई मिट्टी का निक्षेप होता रहता है, जिससे मिट्टी की उर्वरता यानी ये बहुत अधिक उपजाऊ होती है। खादर क्षेत्र का विस्तार उत्तरी एवं उत्तरी पूर्वी मैदान में पश्चिम में गंडक नदी से लेकर पूर्व में कोसी नदी तक है। पश्चिम में गंडक और पूर्व में कोसी, यानी गंडक क्या है, तो ये बिहार और उत्तर प्रदेश का बाउंड्री है, और मान सकते हैं इसको पूर्व में कोसी, पूर्व में तो महानंदा है बिहार और पश्चिम बंगाल का बाउंड्री, लेकिन कोसी मान लीजिए उससे पहले है। तो इस पूरा क्षेत्र बिहार का, इसमें बहुत सारे क्षेत्र खादर है, यानी जहाँ जहाँ हर साल बाढ़ आता है, बिहार का लगभग 74% इलाका बाढ़ में डूब जाता है, वो क्षेत्र बात हो रही है कि वो खादर है। और अंतिम है चौर, तो उत्तरी गंगा के मैदान में प्राकृतिक रूप से जलमग्न निम्न भूमि लो लैंड क्या चौर या मन कहा है, यानी रामसर साइट कहिए, लेकिन रामसर साइट उतना बड़ा नहीं है। चौर का प्रमुख उदाहरण पश्चिमी चंपारण का लखनी चौर, पूर्वी चंपारण का बहादुरपुर चौर, सुंदरपुर चौर आदि, सब चौर के उदाहरण हैं। चौर मूलतः क्या होते हैं, तो गोखुर झील है, कैसे नदी का लोग ऐसे कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, जब समय के साथ ये इतना दूर चला जाता है कि नदी यहीं पर सीधे मिल गई इससे और ये क्षेत्र नया छूट गया, तो चौर हो जाता है। ये मीठे एवं गहरे जल के प्रमुख स्रोत हैं। उदाहरण के लिए पूर्वी चंपारण का टेटरियामन, माधोपुर मन, पश्चिमी चंपारण का पिपरा मन, सिबरी मन, सरैया मन आदि महत्वपूर्ण है। अब जो उत्तर बिहार मैदान देख ली, तो अब दक्षिण का गंगा का मैदान देख लेते हैं। दक्षिणी गंगा के मैदान का विस्तार दक्षिण के पठारी प्रदेश और गंगा के मध्य है, जिसका कुल क्षेत्रफल 33,670 वर्ग किलोमीटर है। जहाँ उत्तर का मैदान 56,000 किलोमीटर में था, वहीं दक्षिण का मैदान मात्र 33,000 किलोमीटर में, यानी ये छोटा है। और इस मैदान का ढाल दक्षिण से उत्तर की तरफ है, मतलब दक्षिण नीचा हो गया, दक्षिण से उत्तर की तरफ, मतलब ऐसे होगा, मतलब यहाँ पर अधिक ढाल, यहाँ पर कम ढाल, इस तरह से नदियाँ यहाँ पर जाएंगी। और दक्षिण मैदान की चौड़ाई पश्चिम से पूर्व की ओर जाने पर घटती जाती है, यानी सॉरी इस तरह से है, गंगा नदी आई ऐसे, तो इधर अधिक चौड़ी है, यहाँ पर कम चौड़ी हो जाएगी। पूर्वी भाग में चौड़ाई कम होने के कारण गंगा नदी प्राकृतिक कगार यानी कि बांध का निर्माण करती है। इसी प्रकार प्राकृतिक कगार पर पटना नगर बसा हुआ है, यानी नेचुरल बांध है, वहाँ पर डैम है। आसपास के भूभाग से प्राकृतिक कगार की ऊंचाई अधिक है, जिससे दक्षिण बिहार की अधिकतर नदियाँ गंगा नदी में न मिलकर उसके साथ समानांतर बहती है, मतलब
कोई नदी आगे कैसे मिलेगी, बीच में तो कगार है, उसके साथ साथ वो बहती चली जाती है। इस प्रकार के बहाव को पीनेट प्रवाह प्रणाली कहते हैं। क्या? तो पीनेट प्रवाह प्रणाली याद कर लीजिए, पीनेट प्रवाह प्रणाली। पुनपुन, किऊल, फल्गु आदि नदियाँ इन्हीं में से है। प्राकृतिक कगार के दक्षिणी भाग में जलमग्न भूभाग है, जिसे टाल या जल्ला क्षेत्र कहते हैं। प्राकृतिक कगार हो गया, ये अवरोध हो गया, तो क्या नदियाँ जो आएंगी इनका पानी यहीं पर फैल जाएगा, तो उसी से टाल क्षेत्र या जल्ला क्षेत्र का निर्माण होता है। पटना से मोकामा तक यह टाल क्षेत्र 25 किलोमीटर की चौड़ाई में फैला है। बहरिया टाल, मोकामा टाल, सिंघोल टाल, मोर टाल आदि कुछ प्रमुख टाल है। टाल मतलब क्या, जो उत्तर में हम लोग देखे थे चौर, वही समझिए दक्षिण में टाल है। लेकिन चौर नदी के द्वारा नदी को त्याग देने के कारण जो बने हैं चौर, यानी वो गोखू झील है, लेकिन टाल नदी के अवरुद्ध हो जाने के कारण टाल का निर्माण होता है। दक्षिणी पठारी प्रदेश, तो दक्षिणी पठारी प्रदेश छोटा नागपुर पठार का समिति है, तक ही सॉरी सीमित है, जहाँ ग्रेनाइट एवं नीस, सॉरी नीस होगा नील का, सॉरी नीस जैसी अग्नेय और रूपांतरित, तो ग्रेनाइट क्या है, अग्नेय है, और नीस क्या है, तो रूपांतरित चट्टानें अधिकतर पाई जाती है। यह पठारी क्षेत्र पश्चिम में कैमूर से लेकर पूर्व में मुंगेर और बांका तक विस्तृत है। यह बिहार का प्राचीनतम भूखंड है, जिसमें कैमूर या रोहतास का पठार, गया का दक्षिणी भाग, गिरिया की पहाड़ी, नवादा, बांका एवं मुंगेर की पहाड़ी क्षेत्र सम्मिलित है। किसमें? तो दक्षिणी पठार में। इसको दो भाग में बांटा गया है। पहला है कैमूर या रोहतास का भाग, मतलब यह दक्षिण और पश्चिमी भाग है। यह विंध्य श्रेणी का पूर्वी भाग है, जो 483 किलोमीटर की लंबाई में और 30 किलोमीटर की चौड़ाई में जबलपुर मध्य प्रदेश से शुरू होकर रोहतास बिहार तक विस्तृत है। कौन? तो विंध्य श्रेणी की बात है। कैमूर पठार की सतह अपर्दित एवं ऊबर खाबर है, और इसकी औसत ऊंचाई 300 से 450 मीटर की ऊंचाई पर है। 485 मीटर की ऊंचाई वाला रोहतासगढ़ इस पठार का सबसे ऊंचा भाग है। यह पठार छोटा नागपुर पठार से सोन नदी द्वारा अलग होता है। इस पठार में बलुआ पत्थर यानी भवन निर्माण के उपयोगी पत्थर मिलते हैं। गया का पहाड़ी क्षेत्र दूसरा विभाजन। गया, औरंगाबाद और नवादा जिलों में मैदानी भागों में फैली अनेक पहाड़ियाँ हैं, जिनमें प्रमुख हैं जेठियन, हिंडाज की पहाड़ी, हल्दिया की पहाड़ी। गया शहर के आसपास रामशिला, प्रतिशिला, भूशिला, कटारी, ब्रह्मयोनी आदि सब पहाड़ी के नाम कहाँ हैं, तो गया की। और जहानाबाद और गया जिले की सीमा पर बराबर और नागार्जुनी की पहाड़ियाँ स्थित है, जो इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वहाँ पर अशोक ने गुफा बनाया था और आजीविकों को दे दिया था। राजगीर की गिरियक पहाड़ी क्षेत्र, तो यह प्रमुखता है नालंदा जिले में स्थित है, और मूलतः गया की पहाड़ी श्रृंखला का ही विस्तार है। इन पहाड़ियों में प्रमुख है वैभवगिरी, सोनगिरी, विपुलगिरी, रत्नगिरी, उदयगिरी और पीर की पहाड़ी। इन पहाड़ियों में सबसे ऊंची वैभवगिरी है, जिसकी ऊंचाई समुद्र तल से 380 मीटर। तो वैभवगिरी कहाँ से हो? नालंदा की बात हो रही है, सॉरी नालंदा नहीं, राजगीर। और इन पहाड़ियों में रूपांतरित चट्टान, क्वार्ट्जाइट और स्लेट की प्रधानता है। बिहार के भौगोलिक भागों का वर्गीकरण कैसे, ऐसे भी किया जा सकता है। प्राकृतिक एवं सामाजिक सांस्कृतिक तत्वों की समानता के आधार पर बिहार को 10 भौगोलिक प्रदेश में बांटा गया है। तराई प्रदेश, घाघरा गंडक द्वाब, एक तराई, दूसरा घाघरा गंडक द्वाब, तीसरा गंडक कोसी द्वाब, चौथा कोसी महानंदा द्वाब, पांचवा कर्मनाशा सोन द्वाब, छठा सोन किऊल द्वाब, सातवां पूर्व मध्य बिहार का मैदान, आठवां गंगा दियारा क्षेत्र, नौवां कैमूर पठार और दसवां अभ्रक प्रदेश। तो थोड़ा सा इसमें ब्रीफली देख लेते हैं। तो तराई प्रदेश मतलब यह प्रदेश गंगा के उत्तरी मैदान में उत्तरी पश्चिमी एवं उत्तरी पूर्वी भाग में स्थित है। उत्तर पश्चिम में शिवालिक की सोमेश्वर श्रेणी और रामनगर दून की पहाड़ियों पर 140 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होने के कारण यह भूमि योग्य नहीं है। परंपरागत तरीकों के साथ साथ नई तकनीक के द्वारा कृषि की जाती है। उत्तर पूर्वी तराई प्रदेश पूर्णिया, अररिया और किशनगंज में स्थित है। यह प्रदेश बिहार में सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र है। कृषि हेतु यहाँ अच्छी भूमि, जिसमें धान, जूट, गन्ने की अच्छी पैदावार होती है। अधिक वर्षा के कारण यह प्रदेश दलदली एवं घनी जंगल का क्षेत्र बन गया है। इस प्रदेश में ऊबर खाबर भूमि के कारण प्रकीर्ण बस्तियाँ अधिक
पाई जाती हैं। कहाँ की बात हो गई तो ये बिहार का तराई प्रदेश है। दूसरा है घाघरा गंडक द्वाब, तो यह प्रदेश 120 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा वाला मैदानी क्षेत्र है। सारण सिवान गोपालगंज जिले में विस्तृत यह प्रदेश चौरस जलोढ़ मैदान है, एकदम प्लेन लैंड है। यहाँ धान धान मक्का गेहूं गन्ना तिलहन और दलहन आदि फसलों का उत्पादन होता है। कृषि की दृष्टि से समृद्ध इस प्रदेश में कृषि से जुड़े उद्योगों का विकास हुआ है। गन्ने का उत्पादन अधिक होने से इस प्रदेश में चीनी उद्योग का अधिक विकास है। चीनी उद्योग का प्रमुख केंद्र गोपालगंज सिवान छपरा मीरगंज और मढ़ौरा आदि प्राचीन बहुत पहले से विकसित है। और तीसरा गंडक कोसी द्वाब, तो इस प्रदेश में पूर्वी चंपारण पश्चिमी चंपारण सीतामढ़ी शिवहर दरभंगा मुजफ्फरपुर वैशाली मधुबनी बेगूसराय आदि प्रमुख हैं। यानी ये सबसे बड़ा अगर ज्योग्राफिकल एरिया वाइज बताया जाए तो यही सबसे बड़ा है गंडक और कोसी का द्वाब। इस प्रदेश में उद्योगों की अधिकता है। चीनी उद्योग और फल संस्करण उद्योग यहाँ का प्रमुख केंद्र है। दरभंगा आम के लिए प्रसिद्ध है, मुजफ्फरपुर लीची के लिए, हाजीपुर केला की बागवानी के लिए यहाँ प्रसिद्ध क्षेत्र है। इस प्रदेश की मुख्य फसल धान मक्का गन्ना गेहूँ जौ दलहन तिलहला आदि है। गन्ना तंबाकू और लाल मिर्च यहाँ की प्रमुख नकदी फसल है। गन्ना तंबाकू और लाल मिर्च। चीनी उद्योग के केंद्र चनपटिया सुगौली समस्तीपुर मोतिहारी बगहा आदि हैं। बरौनी इस प्रदेश का सबसे प्रसिद्ध औद्योगिक नगर है। कौन तो बरौनी। यहाँ उर्वरक कारखाना तेल शोधक कारखाना ताप विद्युत केंद्र स्थित है। बरौनी और मुजफ्फरपुर में दूध उद्योग केंद्र का भी विकास हुआ है। और कोसी महानदी द्वाब ये पूर्वी बिहार, इस प्रदेश में पूर्णिया अररिया किशनगंज मधेपुरा खगड़िया सहरसा आदि जिले आते सॉरी इतने ही आते हैं। यह प्रदेश बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है के कारण यहाँ कृषि उद्योग और परिवहन आदि की दृष्टि से यह क्षेत्र पिछड़ा हुआ है। यहाँ अत्यधिक वर्षा होती है जिससे कोसी और उसकी सहायक नदियाँ प्रतिवर्ष बाढ़ की विभीषिका लाती हैं और हम लोग टीवी में खूब इनका फोटो देखते हैं। यद्यपि यहाँ कृषि की जाती है लेकिन बाढ़ की संभावना के कारण खेती की भविष्य पर और निश्चितता के बादल मंडराते रहते हैं। सरकार ने कोसी परियोजना द्वारा बाढ़ की स्थिति को नियंत्रित करने का प्रयास किया है। और पांचवा है दक्षिण बिहार, तो कर्मनाशा से सोन द्वाब ये क्या है, इस प्रदेश में भोजपुर रोहतास कैमूर और बक्सर जिले आते हैं। आगे बढ़ते हैं। यह जलवायु दृष्टि से कम वर्षा वाला क्षेत्र है लेकिन सोन नदी पर बैराज बनाकर व्यवस्थित नहर प्रणाली का विकास किया गया है। इस प्रदेश में नहरों द्वारा सिंचाई की अच्छी व्यवस्था है। यहाँ अधिकांश ग्रामीण जनसंख्या है जो कृषि पर आधारित है। धान यहाँ की प्रमुख फसल है। अन्य फसलों में गेहूँ दलहन तिलहन तथा आलू प्रमुख है। इस प्रदेश में कृषि आधारित उद्योगों का अपार संभावना है उसके। इस प्रदेश में सर्वाधिक विकास चावल मिल का हुआ है। और दूसरा है यहाँ पर यानी छठा नंबर तो सोन क्यूल द्वाब। दक्षिण बिहार के मैदान में स्थित यह द्वाब प्रदेश निम्न वर्षा का क्षेत्र है जहाँ अक्सर सूखा की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। पटना जहानाबाद गया नालंदा औरंगाबाद अरवल लखीसराय और नवादा जिले इस प्रदेश में आते हैं। अरवल और औरंगाबाद में पूर्वी सोन नहर प्रणाली के द्वारा सिंचाई की व्यवस्था की गई है। धान गेहूँ चना मसूर खेसारी आदि यहाँ की प्रमुख फसलें हैं। इस प्रदेश में बिहार शरीफ और ओबरा में रेशमी वस्त्र उद्योग गया के मानपुर में हथकरघा उद्योग और गलीचा उद्योग का विकास हुआ है। औरंगाबाद में सीमेंट उद्योग एवं खाद्य तेल उद्योग स्थापित किया गया है। और सतमा है पूर्व मध्य बिहार का मैदान, तो इस प्रदेश में मुंगेर बांका और भागलपुर का क्षेत्र आता है। कृषि और उद्योग के मामले में यह क्षेत्र पिछड़ा हुआ है। आगे देखते हैं धान तिलहन और दलहन यहाँ की प्रमुख फसलें हैं। इस प्रदेश में सिंचाई की समुचित सुविधा उपलब्ध नहीं है। चंदन किउल और बरुआ नदी पर जलाशय का निर्माण कर सिंचाई सुविधा का विकास किया गया है। मुंगेर में बंदूक तंबाकू और दूध उद्योग तथा भागलपुर में सिल्क उद्योग का विकास हुआ है। अब हम लोग गया का दियारा क्षेत्र सबसे महत्वपूर्ण। यह क्षेत्र प्रतिवर्ष बाढ़ से प्रभावित रहता है। बाढ़ के बाद जो भूमि दिखाई देती है उसे दियारा कहते हैं। यह नमीन जलोढ़ का क्षेत्र है। यहाँ पर कृषक अस्थायी अधिवासों यानी प्रकीर्ण बस्तियों के सहारे खेती करते हैं। घास फूस और बांस के बने
घर बाढ़ के आने से पहले ही हटा लिए जाते हैं। रबी फसल और सब्जियों की उपज के लिए यह क्षेत्र प्रसिद्ध है। प्रत्येक वर्ष बाढ़ में नए दियारा क्षेत्र का निर्माण होता रहता है। और नौवां है कैमूर पठार। इसका विस्तार दक्षिण पश्चिम बिहार के कैमूर और रोहतास जिले में है। यह पठार विंद पर्वत का ही अंग है। यह पठारी क्षेत्र लगभग 350 मीटर ऊंचा है। यह इसका क्षेत्रफल 1200 वर्ग किलोमीटर है। यहाँ की मुख्य फसल कौन कौन सी है, तो गेहूं, जौ और धान है। पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण यहाँ पर पत्थर आधारित उद्योग का विकास हुआ है। पठारी कैमूर पठार में पाइराइट और फास्फेट पाया जाता है। तो कैमूर में क्या, तो पाइराइट और फास्फेट। पाइराइट आधारित गंधक उद्योग अमझौर में तथा चूना पत्थर आधारित सीमेंट उद्योग बंजारी में स्थापित है। याद कर लीजिए, पाइराइट उद्योग कहाँ, तो अमझौर में, और क्या है दूसरा, चूना पत्थर सीमेंट उद्योग तो बंजारी में। और दसवां है अबरख प्रदेश। यह मुख्यतः झारखंड के कोडरमा जिले की अबरख पट्टी है, जिसका विस्तार बिहार के पठारी प्रदेशों झाझा, जमुई, गया और नवादा के क्षेत्रों तक मिलता है। यहाँ अबरक बलतर मिट्टी से में मिश्रित रूप में मिलता है। लकड़ी, तौसर यानी सिल्क और लाह का उत्पादन इस क्षेत्र में होता है। कृषि में धान, दलहन और तिलहन का उत्पादन इस क्षेत्र में इसकी प्रमुख उत्पादन क्षेत्र हैं। अब कुछ इसके हम लोग क्वेश्चन और आंसर देख लेते हैं। जनसंख्या की दृष्टि से बिहार देश का कौन सा बड़ा राज्य है, तो तीसरा, तो पहला यूपी, दूसरा महाराष्ट्र। दूसरे नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा जिला बिहार के सबसे उत्तरी भाग में स्थित है, तो सबसे उत्तरी भाग कौन है, तो पश्चिमी चंपारण। ये बिहार का सबसे उत्तरी भाग है। उस पहाड़ी का नाम क्या है जिसका उच्चतम भाग संतपुर के नाम से जाना जाता है, जिसकी औसत ऊंचाई 242 मीटर है, तो उसका नाम क्या है, उसका नाम है रामनगर दून की पहाड़ी। क्या नाम है उसका, रामनगर दून की पहाड़ी। और चौथा, गंगा के मैदान का क्षेत्रफल बिहार के कुल क्षेत्रफल का कितना है, तो 92% से अधिक है। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र नवीन जलोढ़ का निक्षेप क्षेत्र है, जहाँ प्रतिवर्ष बाढ़ आने से नई मिट्टी का निक्षेप होगा, कौन नया है, तो है ये बांगर, सॉरी बांगर नहीं ना, ये खादर, बांगर तो पुराना होता है। कर्क रेखा बिहार राज्य के कितने जिलों से गुजरती है, तो अब ना गुजरती है, पहले गुजरती थी यानी झारखंड जब था, लेकिन अभी जीरो, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक उत्तर होगा। पांचवा, निम्नलिखित में से बिहार राज्य का कौन सा जिला उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा को स्पर्श नहीं करता है, तो हम लोग जानते हैं कि बक्सर करता है, रोहतास भी करता है, लेकिन किशनगंज पूर्वी जिला है, ये कैसे करेगा, लेकिन गोपालगंज करेगा। चलिए, ज्वालामुखी संरचना के प्रमाण कहाँ पाए गए हैं, तो ये औरंगाबाद में पाए गए हैं, और ये औरंगाबाद कहाँ, तो गया से सटे हुए जिला है जो दक्षिण बिहार का भाग है। गंगा का मैदान किस सागर का अवक्षेप है, तो टेरसी सागर का अवक्षेप है। और दसवां नंबर, बिहार भारत के क्षेत्रफल का कितना परसेंट, मात्र 2.86%। और क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे छोटा जिला क्षेत्रफल में शिवहर। अब आगे देखते हैं, झारखंड राज्य से बिहार के कितने जिले स्पर्श करते हैं, तो उत्तर में नेपाल है, दक्षिण में झारखंड है, तो नेपाल से भी 7 जिले और झारखंड से भी, सॉरी नेपाल से भी 8 जिले और झारखंड से भी 8 जिले, तो कितने झारखंड से टच करते हैं, तो 8 जिले, तो इसका उत्तर 8 होगा, सही। और वहीं उत्तर प्रदेश से 7 जिले और पश्चिम बंगाल से 3 जिले पश्चिम बंगाल की सीमा से टच करते हैं। बिहार के पश्चिम से पूर्व के विस्तार में कौन से जिले स्थित हैं, पश्चिम से पूर्व की ओर बताना है, तो सबसे पूर्वी जिला कौन है बिहार का, किशनगंज, और सबसे पश्चिमी जिला कौन होगा, तो इसमें तो कैमूर होगा, तो कैमूर और किशनगंज तो नहीं है, तो ठीक कटिहार होगा, कैमूर और किशनगंज, हाँ डी तो है इसका उत्तर, तो 13 का होगा डी, तो कैमर नहीं है, कैमूर है, तो कैमूर और किशनगंज, कैमूर सबसे पश्चिमी और किशनगंज सबसे पूर्वी जिला है। आगे बढ़ते हैं, बिहार का सबसे ऊंचा स्थल कौन सा है, तो बिहार का सबसे ऊंचा स्थल सोमेश्वर का किला है, पहाड़ी का नाम है। और 15 नंबर, राजगीर की पहाड़ियों में सबसे ऊंची पहाड़ी कौन सी है, तो राजगीर की पहाड़ियों में सबसे ऊंची पहाड़ी, तो सबके सब राजगीर की पहाड़ी के नाम क्या, सोमगिरी, विपुलगिरी, रत्नागिरी और वैभवगिरी,
लेकिन जो वैभव, नाम ही वैभव है तो वैभव गिरी है सबसे ऊंचा है चोटी किसका, तो राजगीर की पहाड़ियों का। तो इसके बाद हम लोग मिलेंगे तो ज्योग्राफी में एक नए अध्याय के साथ। तो आज हम लोग क्या पढ़ें, तो आज हम लोग ने पढ़ा बिहार का विस्तार। क्लियर है, कहाँ गया, हाँ यह है, आज हम लोग पढ़ें बिहार के भौगोलिक स्थिति। क्लियर है, इसका हम लोग एक अलग नए चैप्टर के साथ फिर से हाजिर होते हैं। तब तक धन्यवाद, आशा करते हैं कि अच्छा लगे, जरूर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें।